बड़ी खबर लखनऊ से प्राप्त हो रही है। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे मुश्किलों में, विभागीय जांच व निलंबित करने के आदेश। मामला पहले काफी सुर्खियों में रहा था। दरअसल महिला पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के साथ संबंधों के मामले में फंसे होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है। जानकारी के मुताबिक डीजीपी होमगार्ड बीके मौर्य की तरफ से शासन को भेजी गई विभागीय रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की कवायद शुरू कर दी गई है। इस संदर्भ में जेल एवं होमगार्ड के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने मनीष दुबे को निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। मनीष फिलहाल महोबा में तैनात हैं। उसके ऊपर महिला पीसीएस अधिकारी के पति ने आरोप लगाए थे कि उन्होंने महिला अधिकारी के साथ मिलकर उन्हें जान से मरवाने की साजिश रची थी। बता दें कि महिला अधिकारी ज्योति मौर्य का और उनके पति के बीच अब समझौता हो चुका है। गौरतलब है कि होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर बरेली में तैनात रहने के दौरान एक महिला पीसीएस अधिकारी से करीबी रिश्ते होने का गंभीर आरोप लगा था। ये आरोप महिला अधिकारी के पति ने लगाया था और पत्नी व कमांडेंट द्वारा मिलकर उनकी हत्या की साजिश रचे जाने की आशंका भी जताई थी। महिला अधिकारी के पति ने कई साक्ष्यों को सार्वजनिक भी किया था, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आया है क्योंकि होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे मुश्किलों में है। उसके लिए विभागीय जांच व निलंबित करने के आदेश जारी हुए हैं। इस खबर पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और खबर को शेयर अवश्य करें। आप देख रहे थे दस्तक मीडिया ग्रुप का डिजिटल नेटवर्क। शुक्रिया।